गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए संघर्ष से घबराए नहीं, उसे स्वीकार करें। जितना संघर्ष करिएगा उतना निखरिएगा। जिस तरीके से मटका को जितनी बार ठोका जाता है वो उतनी सुंदर तरीके से निखरती है, उसी प्रकार आपको अपने आप को परिश्रम की ओर में, सफलता की ओर में कड़ी मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप निखरिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे PDF प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2023 के सारे वीकली करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? हाल ही में जो बेराशिवा भारतीय सड़क कांग्रेस, इसको कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर में 82nd इंडियन रोड कांग्रेस को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचुंग का नाम किसने रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के द्वारा रखा गया नाम साइक्लोन मिचुंग, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ। तो इसका नामांकन कौन किया? तो म्यांमार के द्वारा इसका नामांकन किया गया, जिसका नाम था साइक्लोन मिचुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, हाल ही में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकेम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जी हाल ही में 84th ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? What position has India got in the World Digital Competitiveness Ranking 2023? रैंकिंग से पॉइंट्स ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया को हाल ही में वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में इंडिया को 49th पोजिशन पर रखा गया है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से चुना गया है, IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर देगा लंदन में। IMO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है और इस बार इंडिया को फिर से री इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसके द्वारा ली गई? तो राइट आंसर जाएगा रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी के द्वारा हाल ही में तेलंगाना के नए CM के पद पर शपथ लिए हैं। तो कौन है? तो रेवंत रेड्डी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना के नए CM। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में। भारत को दोबारा री इलेक्ट किया गया था। तो अब इस क्वेश्चन में आया है कि भारत को IMO परिषद में कितने वर्षों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो राइट आंसर का 2 साल, 2 सालों के लिए इंडिया को फिर से री इलेक्ट किया गया है IMO काउंसिल्स में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा विलेज मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे लगभग 6 लाख गाँवों को डेवलप किया जाएगा विलेज मैप एप्लीकेशन के तहत। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, सर्वेक्षण पोत संध्याग का निर्माण कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर होगा कलकत्ता में। कलकत्ता में GRSE गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा हाल ही में एक सर्वे विसल्स को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है संध्यग, INS संध्यग। इसका वर्क क्या है? तो ये सर्वे करेगा समुद्री एरिया में जाके। तो ये एक जहाज है जो GRSE के द्वारा बनाया गया है, गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। क्या नाम है? तो INS संध्यग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संयंत्र रिएक्टर JT-60SA का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है जापान। जापान में हाल ही में वर्ल्ड दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसका नाम JT-60SA है, इसका अनावरण जापान के द्वारा किया गया है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने कमांड, यानी कि अपने हाथ को मार्स रोवर मिशन को अपने हाथों में कमांड संभाला है, जो मार्स मंगल पर
जाने के लिए तैनात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने COP28 में प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर जगह IIT मंडी। IIT मंडी के द्वारा हाल ही में प्रेस्टिजियस ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड इन COP28 से समारोह में सम्मानित किया गया है। तो COP28 कहाँ पे आयोजित हो रहा था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में, और इसी के दौरान IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। यूनेस्को द्वारा भारत के किस पारंपरिक नृत्य को मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर जगह गरबा। गरबा को हाल ही में एक ट्रेडिशनल डांस है गरबा, जो कहाँ से बिलोंग करता है? तो गुजरात से बिलोंग करता है, ये एक ट्रेडिशनल डांस है। तो इंडिया का इस डांस को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। अब तक के टोटल कितने हेरिटेज लिस्ट हो गए हैं इसे हम इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट कहते हैं। इसमें 15 पोजीशन पे गरबा को ऐड किया गया है, जो गुजरात से बिलोंग करता है। 14th जो डांस है वो है दुर्गा पूजा, मतलब जो हेरिटेज कल्चरल यानी जो हमारी सांस्कृतिक है। तो जो 14वां ऐड किया गया था वो दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था। दुर्गा पूजा कहाँ से बिलोंग करता है? तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका धूमधाम से मनाया जाता है। तो 2021 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो हमें बस ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में गरबा, जो गुजरात का एक प्रमुख डांस है, उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? तो राइट आंसर 114 सीट बढ़ा दिया गया है। पहले 107 सीटें थी, अब इसको 114 सीट कर दिया गया है, जो अमित शाह जी के द्वारा इसे लोकसभा में लाया गया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल के नाम से, जो लोकसभा से पारित हो गई। अब जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में टोटल सीटें 114 हो गई है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 को पारित किया गया, लोकसभा से इसे पास करवा दिया गया अमित शाह जी के द्वारा। तो अब टोटल जम्मू और कश्मीर के असेंबली में कितनी सीटें हो गई है? तो 114 सीटें हो गई है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। हाल ही में AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है गूगल। गूगल के द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जेमिनी रखा गया है। ये हूबहू ह्यूमन की तरह ही बिहेव करेगा, जो हमारे फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। किसके द्वारा बनाया गया है? तो गूगल के द्वारा इस AI मॉडल जेमिनी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत मिला है? तो राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय स्टेट में होने वाला लाकाडोंग टर्मरिक, जो एक प्रकार की हल्दी है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो मेघालय स्टेट से बिलोंग करता है। इसको हाल ही में GI टैग, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है, तो लाकाडोंग टर्मरिक को GI टैग से सम्मानित किया गया। तो चलिए वीकली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा लाल दुहोमो। तो जानते हैं इनके बारे में कि लाल दुहोमो CM बने हैं मिजोरम के, तो किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो मिजोरम का जो सामुदायिक पार्टी है, वहाँ का स्थानीय पार्टी है, उसका नाम है जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM। इसी के द्वारा यहाँ पे सरकार बनाया गया है, इसी की जीत हुई है। तो ZPM के लीडर और लेजिस्लेचर पार्टी, जिनका नाम है लाल दुहोमा, इन्होंने शपथ लिया है नए CM के रूप में। मिजोरम के नए CM के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, तो लाल दुहोमा के द्वारा शपथ लिया गया है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ZPM पार्टी, जिसका फुल फॉर्म है जोरम पीपल्स मूवमेंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ना ही BJP की सरकार बनी है, ना ही कांग्रेस की सरकार बनी है, यहाँ पे मिजोरम के ही स्थानीय पार्टी की सरकार बनी है, जिनके नए CM कौन बने हैं? लाल दुहोमा जी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को जितना हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कॉन्टेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।